आज दिन मंगलवार है और हर मंगलवार को बीकेटी के तहसील में समाधान दिवस मनाया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी बहुत से लोग अपनी परेशानियों को लेकर यहाँ तहसील दिवस में आए। कईयों की परेशानियों का समाधान तो हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कई महीनों से यहाँ तहसील के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो आइए चलते हैं और इस समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे अधिकारियों से ही बातचीत करके जानते हैं कि आज समाधान दिवस के मौके पर कितने लोगों ने अपनी परेशानियां यहां पर रखी, कुल कितने मामले आए और कितनों का तुरंत निस्तारण कर दिया गया। 2020 में हमने SDM साहब को एप्लीकेशन दी और थाना जो सिटौंजा में दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद 3 बार यहाँ पर दी, सांसद जी के द्वारा 2 एप्लीकेशन दी, कोई आज तक सुनवाई ही नहीं हुई। हम रेवामऊ के रहने वाले, हमारे अवैध कब्जा करने वाले जो है संतोष सिंह सनाफ हींगा सिंह रेवामऊ के रहने वाले हैं। किसी से हमने कोई जवाब नहीं मिला, ना हमने तहसीलदार से बात की, केवल SDM साहब से बात की है बस। उन्होंने कहा कि ये कार्य तुम्हारा हो जाएगा, बस यही कहा। हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए आहार आता है, दरिया है, शक्कर है, घी है, वो कुछ नहीं दिया जाता है। कम से कम ने 70-80 बच्चे हैं जो 3-3, 4-4 माह के हैं, पूरी लिस्ट है। कई बार उनसे कहा तो उन्होंने कहा नहीं आता ही नहीं, केवल 30-35 बच्चों का आता है और आता ही नहीं, आप चाहे जहाँ शिकायत करिए, कुछ भी करिए। एक बार हमने कहा भी, सेक्रेटरी साहब का प्रधान से कहा नहीं आता ही नहीं, ना आज तक का मिला है यूँ ही। और थोड़ा दबंग किस्म की औरत है, ज़्यादा बात करो तो वो डांटती भी है, तो वो इसलिए कोई जाता नहीं है। हाँ, शिकायत हमने किया, सचिव से कहा, प्रधान से कहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और मैंने जो है दुकान कपड़े की थी, तो कपड़े की दुकान बंद किए, तो मैंने विनोद लोधी को 90,000 के कपड़े उनको दिए और 1 साल हो गए मांगे, जब ये बीमार है वो बीमार है यही बताते रहे। फिर एक दिन हमने रोका तो वो जो है गाड़ी छोड़ के हमारा हाथ हाथ ऐंठ दिया, गाली वाली देने लगा, चमार की जात हो और पैसे नहीं देंगे, जो करना हो कर लीजिए। तो अपने गाड़ी यही छोड़ छाड़ के फिर आया, गाड़ी उठा लिया, चला गया, गाड़ी वाड़ी दीन। उसके बाद में फिर हमने रिपोर्ट की थाने में, सारे थाने में रिपोर्ट करके सब पोस्ट किया और थाने में मेरे लड़के को, उसको, दोनों को बंद कर दिए। रात भर बंद रखे, सवेरे मुझलके से छोड़े, उसके बाद आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। जो भी ऐसी घटनाएं संज्ञान में आती हैं उसमें पुलिस के द्वारा कठोर एक्शन लिया जाता है और ऐसी समस्याओं को रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो देखा आपने, हमने अधिकारियों से बातचीत की, उन्होंने बताया मामले आए जिनमें से तत्काल 8 परेशानियों का निस्तारण कर दिया गया। और भी समस्याएं हैं जिन पर सुनवाई जारी रहेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय पाल के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।